नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। आज ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं उसमें नया टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी साइंस का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें आपके रिस्पांस क्या हैं, आपके जो सुझाव हैं, शायद आप लोगों ने, चूँकि हिंदी लैंग्वेज का मैंने प्रयोग ज़्यादा किया है, यूज़ ज़्यादा किया है, तो आप चाह रहे हैं कि दोनों ही लैंग्वेज में हो, तो कोशिश करेंगे कि दोनों ही लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें मैटर्स को, और आपके जो सजेशंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और भी कमेंट्स के और भी रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ कि सजेशंस और लोगों के जो क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम साइंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनका मैथ्स पोर्शन वीक है, तो मैथ्स के लिए भी कुछ ना कुछ हम करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग का भी, तो साथ में सब कुछ लेकर चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो लगातार डिमांड आ रही है और अदर सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि इस प्लेटफॉर्म पर जब पढ़ाने के लिए हम लोग आए शुरुआत में, तो हम दो तीन फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया। हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। एक हाई डिमांड है, लोग हाई चार्ज करते हैं फिर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं फैकल्टी की कमी महसूस हम कर रहे हैं। लेकिन जब तक जिन सब्जेक्ट्स के लिए मैं कैपेबल हूँ, मैं आपको उन सब्जेक्ट्स को डिलीवर कर सकता हूँ, तो वो नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। और जैसे ही कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं तुरंत उन सब्जेक्ट्स को आपके सामने ले आऊँगा, ठीक है। तो आपकी जो मांग उठ रही है हिस्ट्री, पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट्स के लिए, वो सारी मांग फुलफिल की जाएगी। आपने स्वयं देखा होगा कि अभी इस चैनल को स्टार्ट किए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 महीने हुए, तो कंटिन्यू हम प्रोसेस में आ जाएंगे, लगातार सुधार कर रहे हैं, फैकल्टी भी हमारी एक तैयार हो जाएगी अच्छी खासी, और कुछ अच्छा हम आपको दे पाएंगे, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे आपके लिए, तो हमारे साथ बने रहिए और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, अपना शेड्यूल तय करिए, शेड्यूल पर वर्क करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखिए। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ और लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है अर्थक्वेक यानी भूकंप। बार बार एक आदत सी बन गई है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पाता हूँ, फिर वही छोटा हो जाता है लेटर, जबकि लगातार लोगों की डिमांड है कि थोड़ा सा बड़ा लिखने का। 2-4 शब्द बड़ा लिखता हूँ फिर छोटा लिख देता हूँ। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। सबसे पहले समझते हैं अर्थक्वेक क्या चीज़ है। समझाने से पहले थोड़ा सा आपको बैक में ले जाता हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर आपको दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको अर्थ के इंटीरियर सरफेस का मैकेनिकल डिवीज़न बताया था, और उसमें पहला डिवीज़न जो पार्ट था लिथोस्फेयर था, यानी कि स्थल मंडल, ठीक है। उसमें याद करिए हमने आपको क्या बताया था कि जो लिथोस्फेयर है वो अर्थ का जो सबसे बाहरी लेयर है यानी कि क्रस्ट, ठीक है, यानी कि जिसको भी भूपर्वती कहते हैं, उस क्रस्ट
और उसके बाद का लेयर मेंटल यानी कि परिवार, तो परिवार का सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको एक तरीके से क्रस्ट का पार्ट ले लें, ऊपर का पोर्शन अगर हम ये लेयर, ये पॉइंट वाइज अगर हम क्रस्ट का पार्ट ले लें, तो ये दूसरा वाला मेंटल होगा और फिर जो है कोर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि क्रोड। तो ये जो बीच वाला पार्ट है मेंटल यानी कि प्रवार, इसका सबसे ऊपरी लेयर, यानी कि अगर ये जीरो, ये जो सरफेस है अगर 0 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं तो हमने बताया था 100 किलोमीटर तक का पार्ट, ठीक है, 100 किलोमीटर 0 किलोमीटर से, तो ये पोर्शन आपका कहलाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। ठीक है, तो इस लिथोस्फेयर वाला जो पार्ट है, लिथोस्फेयर का जो बेस है उसको हमने बताया था अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, और प्लेट को मैं अगले किसी वीडियो में कवर करूंगा क्या होता है प्लेट। तो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है वो जो अपर मोस्ट मेंटल है यानी प्रवार का, हमने बताया था कि वो एस्थेनोस्फेयर है यानी दुर्बलता मंडल हिंदी में बोलेंगे। तो चूंकि दुर्बलता मंडल बिल्कुल प्लास्टिक जोन टाइप से है, इस वजह से जो लिथोस्फेयर है उस पर मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से कुछ जो प्लेटें हैं कुछ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, और कुछ प्लेटें एक दूसरे के जो करीब आ रही हैं यानी कन्वर्ज हो रही हैं, और कुछ प्लेटें एक दूसरे के किनारों से स्लाइड कर रही हैं अगल बगल से, तो ये तीन प्रकार का मूवमेंट होता है। तो ये तीनों ही मूवमेंट इस लिथोस्फेयर के बेस में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या होती है ये जानना जरूरी है अर्थक्वेक के मामले में, ठीक है। इसमें क्या है कि जो अर्थक्वेक के रिलीज होने का जो सेंटर है, जहां से अर्थक्वेक रिलीज होता है, वो बेसिकली यही अपर मोस्ट वाला पार्ट है। अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिला दें, ठीक है, तो ये लिथोस्फेयर का जो पूरा पार्ट है ये इसके लिए काफी जो है जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसको समझाते हैं बाद में, पहले देखते हैं कि अर्थक्वेक की डेफिनेशन, डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे। परिभाषा में आप बेसिकली क्या जो है लिखेंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले लिखें तो उसमें लिखेंगे कि ऊर्जा के निकलने के कारण, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं, राइट, बेसिकली यही होता है। दैट इज इन इंग्लिश, अर्थक्वेक इज ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फेयर दैट क्रिएट्स सिस्मिक वेव ऑल अराउंड विच शेक द अर्थ। तो कुल मिलाकर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है अर्थक्वेक के लिए वो लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है। इसमें क्या होता है कि अब गहराई के अनुसार, इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग इनके रीजन्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो जो हमने 100 किलोमीटर लिया है,
ये एग्जैक्ट तो होता नहीं है, एवरेज होता है, कहीं पर अधिक कहीं पर कम, तो उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज इसकी डेप्थ ले ली गई 100 किलोमीटर। अब सपोज कर लीजिए कि अर्थक्वेक का जो सेंटर है, जहां से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि ये मोल्टेन फॉर्म में है, जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है, इस वजह से वहां पर जो है काफी स्टीम है, काफी एनर्जी है, हीट भी ज्यादा है, इन सब की वजह से। और चूंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल्स वहां हमेशा बहुत ही अधिक मात्रा में बने हुए हैं, इस वजह से एनर्जी रिलीज काफी जो है मात्रा में होता है, और ये एनर्जी जो है बाहर निकलने का प्रयास करती है। ठीक है, अब जब बाहर निकलने का प्रयास करेगी तो कहाँ से निकलेगी? जैसे आपका प्रेशर कुकर है, अब उसमें जब स्टीम बन जाता है तो वो स्टीम, वो एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करती है। अब उसके पास रास्ता वही एक है, ऊपर से सीटी के जगह से, यानी या फिर सीटी को उठा दे अपनी पावर से। तो बिल्कुल वही काम यहाँ भी होता है कि ऐसे प्लेट्स जो कमजोर हैं, ठीक है, ऐसे प्लेट किनारे जो कमजोर हैं, यानी कि या तो वो डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से, वहां उसको रास्ता मिल जाएगा निकलने के लिए बाहर, ठीक है, या वो किनारे कुछ ऐसे हों कि जो स्लाइड कर रहे हों, ये इधर स्लाइड कर रहा हो, ये इधर स्लाइड कर रहा हो, तो इसके बीच से भी वो उसको जगह बन मिल जाएगा निकलने के लिए। तो इसका बिल्कुल प्रयास रहेगा कि स्पेस बनाया जाए और उसके बीच से निकला जाए, या कुछ ऐसे प्लेटें जो काफी जो है वीक हों, ठीक है, कहीं पर भी उसको जो है एक वीक सेक्शन मिल जाए और उसको तोड़कर बाहर निकल जाए। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करेगी। अब इस केस में जो सेंटर जहां से अर्थक्वेक का जो मेन रीजन है, इसको बोलेंगे फोकस, ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर, यानी कि भूकंप मूल इस सेंटर को जहां से रिलीज हो रहा है, इसको बोलेंगे फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर, हिंदी में भूकंप मूल या उद्गम केंद्र या अवकेंद्र, तीनों नाम लिख लीजिए। भूकंप मूल, अवकेंद्र या अधिकेंद्र, ठीक है, ये तीनों नाम यहां पर आपने, एक मिनट, सॉरी, अधिकेंद्र लिख दिया, ये तो अधिकेंद्र ऊपर हो गया, आप फोकस है ना, तो उद्गम आप लिख दो, अवकेंद्र है, अधिकेंद्र तो ऊपर एपिसेंटर का नाम होता है। तो ये तीन नाम हो गया, भूकंप मूल कहिए या अवकेंद्र कहिए या फिर आप उद्गम कहिए या उद्गम केंद्र कहिए, केंद्र भी बढ़ा लीजिए आप इसमें। तो इस जगह से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी सरफेस पे आने का प्रयास करेगी, ठीक है, तो सरफेस पे जिस जगह बिल्कुल अपने परपेंडिकुलर, ये हमने भले ही थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, इसको आप परपेंडिकुलर ही बनाइए, तो बिल्कुल उस फोकस पॉइंट के परपेंडिकुलर जिस प्लेस पर अर्थक्वेक सबसे पहले प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं एपिसेंटर, यानी कि भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र। देखिए भूकंप मूल इसका नाम है, इसका नाम एपिसेंटर यानी कि भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र,
देखिए, इसका नाम अधिकेंद्र है, इसका नाम नाम अवकेंद्र है या उद्गम केंद्र है। तो सबसे पहले जो भूकंप के यानी अर्थक्वेक के प्रोड्यूस होने का क्षेत्र है वो कहाँ है, लिथोस्फेयर में है, ठीक है। यहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है और सबसे पहले जहाँ पर मेजर किया जा रहा है, यानी कि जो आपका सीस्मोग्राफ जो डिवाइस है जो इसको सबसे पहले मेजर करेगा, वो आपके सरफेस पर रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले वो मेजर करेगा और जहाँ सबसे पहले अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा जिस सरफेस पर, उस सरफेस का नाम एपिसेंटर होगा, यानी कि उस सेंटर का नाम एपिसेंटर होगा, यानी भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र। अब इस एपिसेंटर पर सबसे पहले पी वेव, यानी कि जो वेव्स आएंगी वो, यानी कि वेव्स को बोलेंगे तरंगे, और वो तरंगे क्या होती हैं, सीस्मिक वेव्स होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं। और ये तरंगे तीन प्रकार से होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ये तीन प्रकार की जो है वेव्स होती हैं। इन वेव्स को अभी मैं बताऊंगा, उसके पहले थोड़ा समझते हैं कि इसमें कुछ और कि अर्थक्वेक की जो स्टडी है वो किसमें करते हैं। अर्थक्वेक की स्टडी के लिए जो साइंस है उसका नाम है भूकंप विज्ञान, यानी कि सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान। सीस्मोलॉजी में आप अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। सीस्मोलॉजी में जब स्टडी करते हैं तो किस चीज की स्टडी करते हैं, सीस्मिक वेव्स का, ठीक है, भूकंपीय लहरों का स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय लहर, भूकंपीय लहरों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। और ये जो सीस्मिक वेव्स हैं यानी कि भूकंपीय लहर हैं, इनको मेजर करने वाली डिवाइस, यानी कि इनको अगर जो नापने वाली डिवाइस है उस डिवाइस का नाम है सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर, ठीक है। इन सीस्मिक वेव्स को मेजर करने वाली जो डिवाइस है यानी कि यंत्र, उसका नाम है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर। हिंदी में भी नाम यही है, तो चाहे आप लिख लो। सीस्मोग्राफ, ठीक है, या सीस्मोमीटर। तो जो डिवाइस इस सीस्मिक वेव्स को मेजर करेगी उसका नाम क्या है, सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर। अब सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर करती क्या है, ये जब अर्थक्वेक आता है तो उस समय ये एक जो है अपना इसका रिकॉर्ड लेती है, और जो रिकॉर्ड होता है वो ग्राफ के रूप में बनाती है ये, ठीक है। यानी कि बिल्कुल आपने अक्सर देखा भी होगा इस तरीके से कुछ वेव्स टाइप से बनती हैं, कुछ ग्राफ टाइप से बनती हैं। तो इस प्रकार से ये सीस्मोग्राफ जो है या सीस्मोमीटर जो है एक ग्राफ बनाती है।
ठीक है। अब जब ग्राफ बन गया, ठीक है, उस तो ग्राफ इसका रिकॉर्ड हो गया। अब उस ग्राफ को मेजर करने के लिए, उस ग्राफ की स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीस्मोग्राम, ठीक है। इस ग्राफ की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं सीस्मोग्राम। हिंदी में भी नाम यही है, सीस्मोग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि सीस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, और इस सीस्मोलॉजी में हम बेसिकली सीस्मिक वेव्स यानी जो भूकंपीय लहर होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, और इन सीस्मिक वेव्स को मेजर करने वाली जो डिवाइस है उसका नाम सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर है। सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर जो सीस्मिक वेव्स को जब मेजर करती है तो जो उसका रिकॉर्ड होता है वो एक ग्राफ के रूप में होता है, और इस ग्राफ को सीस्मोग्राम के जरिए पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या उसकी वैल्यू है, इसके वैल्यूज को। तो ये पॉइंट्स हो गए, इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं अपने इस मेन पॉइंट पर आ जाता हूँ। अब देखिए, फोकस से एनर्जी रिलीज हुई, सरफेस पे पहुंची, तो हमने बताया कि इस सिचुएशन में तीन टाइप के वेव्स होते हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। तो सबसे पहले हम जो मेजर क्लासिफिकेशन है, मेजर डिवाइडेशन है वेव्स का, सीस्मिक वेव्स का, उसको हम बताते हैं। मेरे ख्याल से ये फिगर समझ में आया होगा आपको, ये फिगर आप बना लीजिएगा और अर्थक्वेक की डेफिनेशन लिख के ये फिगर आप बना लेंगे, ये इसके लिए सफिशियंट हो जाएगा। अब हम सीस्मिक वेव्स को डिफाइन करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा स्प्रिंग को यूज किया होगा। स्प्रिंग की जो है क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप उसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करने के बाद छोड़ो तो तुरंत वो फैलता है, या अगर आप खींच के उसको फैला दो और छोड़ो तो तुरंत सिकुड़ जाता है। यानी कि उस सिचुएशन में चाहे उसको आप कंप्रेस करो या उसको उसमें स्ट्रेच करो, उसको खींच के फैलाओ, दोनों ही सिचुएशन में उसमें एनर्जी क्या हो जाती है, आ जाती है, ठीक है। इस एनर्जी को इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। ये इसके कंप्रेस करने से, इसको यानी कि सिकोड़ने से या फैलाने से उत्पन्न होती है इलास्टिक एनर्जी। वैसी ही एनर्जी लिथोस्फेयर के नीचे प्रोड्यूस होती है, और वो क्या करती है कि वो जैसे ही रिलीज होती है वो क्रस्ट को चाहे तो वो ब्रेक करना चाहती है भूपरपटी को, या उसके बीच से स्पेस बनाकर उस एनर्जी को जो है मतलब एनर्जी निकलने का रास्ता बनाना चाहती है। अब इस केस में सिचुएशन क्या होता है कि हमने बताया कि जो फोकस पॉइंट है आपका भूकंप मूल, यहां से भूकंप मूल से वो जो रीजन है जहां से उत्पन्न होते हैं एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी जो यहां से रिलीज होती है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो किस रूप में होती है, इलास्टिक एनर्जी के रूप में, ठीक है। आप आगे लिख लो, इलास्टिक एनर्जी जो हिंदी में या प्रत्यास्थ ऊर्जा। और ये जो
इलास्टिक एनर्जी है बेसिकली कैसी एनर्जी है, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी है। यो खींचने से बता ना, स्प्रिंग वाला बता हमने कि वो सिकोड़ने से या खींचने से उसमें स्टोर्ड हो जाती है, ऐसी वो जो है मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक जो ऊर्जा है। और जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो रिलीज होने की वजह से वेव्स उत्पन्न होते हैं, लहरें। और ये लहरें कैसी होती हैं, यही लहरें सीस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है। सीस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंग। ये सीस्मिक वेव्स का अगर हम मेजर क्लासिफिकेशन करें तो दो प्रकार से होती हैं। पहला प्रकार हो गया कि बॉडी वेव्स यानी कि भूगर्भिक तरंग, भूगर्भिक तरंग या तरंगे करो, प्लूरल लिखा हूं। और जो दूसरा जो हो गया आपका वो सरफेस वेव हो गया, ठीक है, यानी कि धरातलीय तरंग। तो बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। धरातलीय तरंग, सरफेस वेव, धरातलीय तरंग, ठीक है। ये इसका सीस्मिक वेव का मेजर क्लासिफिकेशन हुआ। अब देखते हैं कि इनका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। जो बॉडी वेव्स हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से, पी वेव्स और एस वेव्स, ठीक है। तो जो पी वेव और एस वेव है ये बेसिकली क्या है, बॉडी वेव कहलाती है यानी कि भूगर्भिक तरंग। और जो एल वेव है ये कहलाती है धरातलीय तरंग। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पी वेव और एस वेव है ये आपके लिथोस्फेयर से होके पूरा निकलती है, ठीक है, यानी कि जो फोकस पॉइंट है वहां से ट्रेवल करते हुए आपके पूरे एपिसेंटर तक आती है, यानी कि पूरी पूरी अर्थ के बॉडी में ये ट्रेवल करती है। इस वजह से इसका नाम बॉडी वेव है, पी वेव और एस वेव, ये दोनों बॉडी वेव के अंडर में आ जाएंगी। सरफेस वेव एल वेव को कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ क्रस्ट पर ही ट्रेवल करती, सिर्फ आपके सरफेस पर, अगर ये अर्थ है तो इसके क्रस्ट पर ही ट्रेवल करती है, ठीक है, यानी कि इसकी बॉडी में अंदर ट्रेवल नहीं करती है एल वेव। इस वजह से इसका नाम सरफेस वेव यानी कि धरातलीय तरंग है। अब तीनों ही वेव्स को हम अलग अलग जो है समझेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है और किस प्रकार से जो है इनको डिफाइन किया गया है। तो हमने बताया अभी कि बॉडी वेव में सबसे पहले बॉडी वेव लेके चलते हैं। बॉडी वेव का मतलब भूगर्भिक तरंगे, हमने बताया है दो टाइप से होती हैं, एक तो पी वेव और दूसरा एस वेव, यानी कि पी तरंग और एस तरंग, ठीक है। अब पी वेव की क्वालिटी क्या है और एस वेव की क्वालिटी क्या है, इसको हम अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको एक साथ बताने से पहले
इसका हम एक चीज और बता दें कि ये दोनों ही इनका जो पाथ है, अर्थ सरफेस में चलने का जो पाथ है वो कॉनकेव है, ठीक है। तो जब जब ये दोनों की प्रॉपर्टी है तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, कॉनकेव पाथ का अनुसरण करते हैं। कॉनकेव पाथ यानी कि अवतल अवतल मार्ग, ठीक है। बिल्कुल अगर ये अर्थ सरफेस है, सॉरी पूरे अर्थ है, तो अवतल ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये सिचुएशन, तो ये अवतल पाथ हो गया, कॉनकेव पाथ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्रेवल करते हैं इस पाथ पर, बिल्कुल सीधी नहीं, कॉनकेव पाथ बनाती हैं दोनों ही, पी वेव और एस वेव दोनों ही, ठीक है, दोनों की सिचुएशन ये होती है। अब सबसे पहले हम पी वेव को देखें, इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसा कि इसका नाम आपने देखा कि पी नाम है, ठीक है, पी नाम यानी कि प्राइमरी वेव, ठीक है। प्राइमरी वेव कहिए या कंप्रेशनल वेव कहिए या लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहिए, ये तीनों ही नाम इसके हैं। तो तीनों ही नाम आप नोट करिए कि प्राइमरी वेव या कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। प्राइमरी वेव या कंप्रेशनल वेव या जो है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। ये तीन नाम हो गए इसके। अब इसमें इसके हिंदी नाम क्या हो जाएंगे, प्राथमिक वेव कहिए या संपीडात्मक, ठीक है, प्राथमिक तरंग या संपीडात्मक तरंग, कंप्रेशनल का मतलब संपीडात्मक, या लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल को आप जो है अनुदैर्ध्य कह सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स ये अलग अलग नाम होते हैं, तो इसको आप अनुदैर्ध्य तरंग भी, तीसरा नाम इसको इसके अकॉर्डिंग अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। प्राइमरी वेव, कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये तीन इसके नाम हो गए पी वेव के। ऐसे ही अगर हम एस वेव का देखें तो एस वेव का नाम, चूंकि एस से स्टार्ट है इसलिए इसको सेकेंडरी वेव कहिए या ट्रांसवर्स वेव कहिए, ठीक है, यानी कि द्वितीयक या गौड़ या अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। सेकेंडरी वेव कहिए या ट्रांसवर्स, ठीक है, यानी कि द्वितीयक या गौड़ तरंग या आड़ी, यानी कि आड़ी या तिरछी जो कहते हैं तरंगे, या अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये एस वेव का नाम हो गया और ये पी वेव का नाम हो गया। अब इसमें दो चीजें आ गई,
दो वर्ड आए, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल का है और इनका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स का है। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स इनमें होता क्या है इसको हम बताते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो बेसिकली इस वजह से कि ये साउंड वेव के तरीके से बिहेव करते हैं। साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, उसका फ्लो ऑफ नेचर क्या होता है उसको बताऊं कि सपोज करिए कि ये एक साउंड का सोर्स हो गया और इस सोर्स से अगर एनर्जी को आगे ट्रेवल करना है तो वो इस रूप में ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे जैसे ही आवाज निकला तो जो भी इस एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होंगे वो मेरे वॉइस से वाइब्रेट होंगे, उनके उनमें वाइब्रेशन होगा, फिर उनके उनसे लगा हुआ जो अगला लेयर है उनमें वाइब्रेशन होगा, तो इसमें यहाँ वाइब्रेशन होने के बाद फिर ये अगली लेयर वाइब्रेट होगी, फिर अगली लेयर वाइब्रेट होगी, फिर अगली लेयर, इस तरीके से ये वाइब्रेट होते हुए ये साउंड आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पाथ बनेगा, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य तरंग। तो ऐसा नेचर पी वेव का है, इस प्रकार से वो पी वेव ट्रेवल करती है, इस वजह से इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव का नेचर क्या होता है, वो कैसे ट्रेवल करता है? ट्रांसवर्स वेव में यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, इसका नेचर होता है कि जैसे आप ले लो कोई रस्सी ले लो, उसका एक छोर कहीं एक एंड उसका कहीं आप जो है टाइट कर दो, बांध दो, और दूसरे एंड को हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करो, तो उसमें देखो आप कि इस प्रकार से अगर यहाँ बांध दिया गया है तो इस प्रकार से लहरें बनती हैं उस रस्सी में। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो ट्रांसवर्स मूवमेंट कहलाता है, यानी कि अनुप्रस्थ। ठीक है, तो जो एस वेव होती हैं उनमें मूवमेंट इस तरीके से होता है। ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो आप अगर आपका ये मेन पोजीशन है तो इस मेन पोजीशन से एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इस प्रकार से इसमें मूवमेंट होता है, इस वजह से इसका नाम ट्रांसवर्स वेव हो गया। ठीक है, अब चूंकि मैंने दोनों ग्राफ बता दिया है तो चूंकि यहाँ तो मैं बता रहा हूँ बॉडी वेव, लेकिन हमने दो ग्राफ बता दिया है इसलिए मैं लगे हाथ बता देता हूँ एल वेव का भी ग्राफ कैसे होगा। एल वेव में इन दोनों को मिला के सिचुएशन बन जाएगा, यानी कि उनमें इस तरीके से वेव्स आगे भी बढ़ेंगे और इस तरीके से अप एंड डाउन सिचुएशन भी होगा। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है अप एंड डाउन है। ठीक है, यानी कि मोशन के परपेंडिकुलर। तो जो एल वेव है, एल वेव में इन दोनों को मिलाकर यानी कि वो आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन साथ में जो परपेंडिकुलर मोशन है वो भी हो रहा है, यानी कि ऐसे भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं, ये दोनों चीजें होती हैं साथ कंबाइंड होकर एल वेव के वाले केस में। इस वजह से वो जो एल वेव होती है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की हो जाती है, ज्यादा विनाशात्मक होती है। ठीक है, तो अभी उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको बता दें, चूंकि ग्राफ बनाया था इसलिए मैंने उसको तुरंत थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके नेचर पे आ जाते हैं कि इनका नेचर क्या है, पी वेव एस वेव इन दोनों का नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी वेव को बताते हैं कि इसकी सरफेस पे ये सबसे पहले पहुंचती है, जो पृथ्वी का धरातल है क्रस्ट है उस पर सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहले पहुंचने का कारण भी क्या है
कि जो इसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। तो स्पीड यानी कि गति बहुत ज्यादा होती है, 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है, ठीक है, जो पी वेव है। और सीस्मोग्राफ स्टेशन जो आपका एपिसेंटर पर है, जो मेजर करेगा, उस पर सबसे पहले पहुंचती है। तो गति ये हो गया और सीस्मोग्राफ सीस्मोग्राफ सेंटर या सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है। चाहे आप ये कहें कि सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है या अर्थ के क्रस्ट पर सबसे पहले पहुंचती है या आप कहें कि एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है, बात एक ही है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। फिर अगला कि जो ये ट्रेवल करती है वो तीनों ही मीडियम में, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों ही माध्यमों में जो है ये ट्रेवल कर सकती है। ये सॉलिड में भी जा सकती है, ठोस में भी, लिक्विड यानी द्रव और गैस, तीनों ही मीडियम में ये पी वेव ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही मीडियम में। अब अगला प्रॉपर्टी, बाकी हमने ये बता ही दिया था कि लॉन्गिट्यूडनल होती है इसका नेचर और इसका ग्राफ भी हमने बता दिया था। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपके पी वेव की, ठीक है। अब इसके जो फिगर है पी वेव और एस वेव को एक साथ बनाऊंगा मैं, अभी यहाँ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी पी वेव की हो गई। अब हम चलते हैं एस वेव की तरफ। एस वेव की जो स्पीड होती है वो इसकी अपेक्षा कम होती है, इस वजह से पी वेव के पहुंचने के कुछ समय बाद एस वेव पहुंचती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड यानी कि इसकी गति कम होती है, इसकी बहुत ज्यादा थी, इसकी अपेक्षा कम होती है लेकिन होती है ज्यादा, ठीक है। अब क्या होती है, लगभग 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इसकी गति होती है। चार किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इसकी गति होती है। सीस्मोग्राफ स्टेशन पर पी वेव के बाद पहुंचती है, सीस्मोग्राफ स्टेशन या सीस्मोग्राफ पर लिख दो आप, पर पी वेव के बाद पहुंचती है। अगली प्रॉपर्टी जैसे इसका था कि ट्रेवल किया तीनों ही मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तो उसका क्या होगा, उसका जो एस वेव है वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल नहीं करेगा। कहाँ कहाँ ट्रेवल करेगा, सॉलिड में तो ट्रेवल करेगा, ठोस में ट्रेवल करेगा, लिक्विड में ये ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगा, गैस में जो है यहाँ ट्रेवल करेगा लेकिन स्पीड मतलब बहुत ही कम, ठीक है, थोड़ा सा रेयर केस हो जाएगा तो, लेकिन फिर भी चूंकि करेगा तो करेगा, तो ये सिर्फ सॉलिड और गैस में ट्रेवल करेगा, लिक्विड मीडियम में ये ट्रेवल नहीं करेगा एस वेव, ठीक है। और ये बिल्कुल वाटर वेव की तरीके से बिहेव करता है,
वाटर वेव कहिए या लाइट वेव, ठीक है, क्योंकि लाइट वेव और वाटर वेव ये दोनों ही ट्रांसवर्स वेव होते हैं। हमने इस वाले को बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर बिहेव लाइक ए साउंड वेव, नीचे ज्यादा हो जा रहा है शायद दिखाई नहीं दे आपको, ठीक है, आप में से एक पॉइंट बढ़ा लो कि साउंड वेव के तरीके से व्यवहार करता है। तो क्योंकि साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ये क्या हो जाएगा, बिहेव लाइक ए वाटर वेव और लाइट वेव। तो वाटर वेव ऑब्लिक लाइट वेव, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वाटर वेव और लाइट वेव दोनों ही जैसा हमने ग्राफ बताया था उस तरीके से बिहेव जो है ट्रेवल करते हैं के तरह से व्यवहार, ठीक है, यानी कि इस केस में ट्रेवल जो होगा इस तरीके से होगा, और यहां पर जो ट्रेवल होगा इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों में, दोनों का ग्राफ हो गया और ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया। अब आप देख सकते हो कि दोनों चूंकि आमने सामने हैं, तो आपको एक डिफरेंस भी पता है कि दोनों में पी वेव और वी एस वेव में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं एल वेव की तरफ, एल वेव की प्रॉपर्टी क्या है उसको बताते हैं, और तीनों के फिगर हम एक साथ बताएंगे। एल वेव को हमने बताया था सरफेस वेव, इसके पहले हमने बॉडी वेव बताया था, अब की बात सरफेस वेव यानी कि धरातलीय तरंग, दूसरा वाला जो पोर्शन था। धरातलीय तरंग क्या होता है कि इसमें आपका एल वेव है, एल तरंग है। एल वेव की प्रॉपर्टी अब यहां पर हम जानेंगे कि जो एल वेव है इसकी चूंकि जो पहुंच है सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे बाद की होती है, और उसका कारण यह है कि इसकी स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है। एल वेव की प्रॉपर्टी स्पीड इज वेरी लो, गति सबसे कम, लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी गति है। इस वजह से ये सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे बाद में पहुंचती है, इसको भी नोट कर लीजिए। सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे बाद में पहुंचती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें सरफेस वेव में कि ये आपके तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ट्रेवल इन ऑल मीडियम, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों ही माध्यम में ये विचरण कर सकती है एल वेव, ठीक है। और ये चूंकि जैसे इसका नाम है
एल वेव, ठीक है, इसका नाम के अकॉर्डिंग हमने पहले बताया नहीं, चूंकि पूरे सरफेस पर ट्रेवल करती है तो इस वजह से इसको लॉन्ग वेव कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव, क्योंकि इसकी जो लेंथ है काफी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से इसको लॉन्ग वेव कहते हैं, क्योंकि पूरे पूरे पृथ्वी के सरफेस पर ट्रेवल करती है, कहीं एक छोटे पार्ट में नहीं। अगर एपी सेंटर पर यहाँ सपोज करो कि ये सरफेस है, एपी सेंटर ये ऊपर का है, अगर यहाँ से चल रही है तो ये पूरा करके यहाँ तक आएगी, ठीक है, पूरा ट्रेवल करेगी, तो एक पूरे चूंकि चक्कर लगा लेती है, इस वजह से इसका नाम क्या है, लॉन्ग वेव नाम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विनाशात्मक है ये, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसी के द्वारा होती है, ठीक है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा विनाशात्मक, सर्वाधिक विनाशात्मक। तो ये आपके एल वेव की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के जरिए समझेंगे कि जो पी वेव है, एल वेव है और एस वेव है, ये तीनों जो है किस तरीके से अर्थ सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं और क्या इनका पाथ है और किस किस के बीच ये ट्रेवल करेंगे, किस किस एंगल पर ट्रेवल करेंगे, ठीक है, इसको भी हम समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले जो फिगर है वो शैडो जोन का है, तो जो पहला फिगर है वो पी वेव शैडो जोन, यानी कि पी तरंग छाया क्षेत्र, ये हमने बना लिया अर्थ, ठीक है। पी वेव की प्रॉपर्टी क्या थी कि तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकता है और इस वजह से ये हमने ये बनाया और बीच में हमने बना लिया कोर वाला पार्ट, ठीक है। ये हमने ले लिया एक पोर्शन इसके क्रस्ट पर, सरफेस है आप स्फेयर है तो उसके हमने क्रस्ट पर ले लिया सरफेस पर कि एपिसेंटर है जहां पर आपका सीस्मोग्राफ लगा हुआ है, सीस्मोग्राफ स्टेशन है, वहां मेजर हुआ सबसे पहले। अब यहां से जो पी वेव ट्रेवल करेगी और जो उसका जो शैडो जोन बनेगा वो क्या बनेगा, इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो पी वेव है, हमने बताया था कि पी वेव और एस वेव का जो पाथ है वो कॉनकेव है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एस वेव लिक्विड मीडियम में नहीं चलेगा, ट्रेवल नहीं करेगा, तो इस वजह से जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है, एस्थेनोस्फेयर हो गया और इसके अलावा आउटर कोर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर को हमने बताया था ना आपको कि दुर्बलता मंडल है, जो प्लास्टिक जोन है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, और इसके अलावा कोर का जो अपर पार्ट है, आउटर कोर यानी क्रोड का, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो इन दोनों प्लेस से एस वेव तो ट्रेवल करने वाला नहीं है, तो इस वजह से और पाथ भी कॉनकेव होना चाहिए, तो जो एस वेव का जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं कि जो एस वेव होगा यानी कि अंदर ट्रेवल करेगा नहीं, ठीक है।
ये इस तरीके से बनाइए। ठीक है, अब यहां लिख लीजिए, ये है आपका एस वेव, ये हमने सारा बनाया है, एस वेव बनाया है। ठीक है, अब इस पर जो पाथ देखिए इसका कैसा है, इसका पाथ आपका कॉनकेव है, अवतल पाथ है, और अगर इसको 0 डिग्री माना जाए जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसको अगर 0 डिग्री माना जाए तो यहां से लेकर ये आपका 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री तक जो है इसका क्षेत्र होता है। ठीक है, 0 डिग्री से 105 डिग्री के बीच एस वेव का क्षेत्र होता है, यानी कि एस वेव 105 डिग्री के बाद जो है नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, वो रीजन वही है कि लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं करेंगे। अब इस वजह से अब जो बचे पी वेव, बचे पी वेव का क्षेत्र देखिए, पी वेव चूंकि हर एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो इस क्षेत्र में जो पी वेव होगा वो देखिए ये आया, अब यहां से फिर मीडियम चेंज होगा इसका, ये फिर ये, ऐसे ही ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या है, ये 105 इधर भी था, 105 यहां भी लिख लो आप, और ये हो गया 145 डिग्री, 145 डिग्री, और ये सारे जो कोर से भी होकर आ रहे हैं, ये सारे क्षेत्र आपके हो गए पी वेव के। ये सारे क्या हैं, पी वेव वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि जो एस वेव है वो 0 डिग्री से 105 डिग्री के बीच है, 105 के बियॉन्ड एस वेव आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और जो पी वेव है वो 145 से 145 के बीच में है, यानी कि बीच में आपको एक छाया क्षेत्र मिल रहा है, ये शैडो जोन मिल रहा है, ये यहां पर आपको ना तो एस वेव दिख रही हैं और ना पी वेव दिख रही हैं, है ना, तो ये जो जोन है ये पी वेव का शैडो जोन है। ठीक है, शैडो जोन ऑफ पी, इसको क्या लिख लेंगे, पी वेव, यानी कि पी पी तरंग का छाया क्षेत्र है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच, पूछा जा सकता है ऐसे ही, तो आप यही लिखेंगे कि जो पी वेव का छाया क्षेत्र है या शेडो जोन है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो छाया क्षेत्र हैं ये होते क्या हैं, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग यानी कि कोई भी सीस्मिक वेव जो है मेजर नहीं की जाती है, अवलिखित नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन कहा जाता है। ठीक है, देखिए ना तो पी वेव है और ना ही एस वेव है, तो इस प्रकार से जो पी वेव है उसको अगर आप देखें
तो जो शेडो जोन पी वेव का है वो 105 से 145 के बीच है, और एस वेव का शेडो जोन 105 से 105 के बीच होता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको कि दूसरे वाले फिगर में बना के कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इसको पहले हम मिटा दें तभी स्पेस बन पाएगा, बाकी फिगर सब कंप्लीट हो गया, आपने बना लिया होगा शायद। अब हम एस वेव का शैडो जोन बनाएंगे, ठीक है। यह हमने ले लिया एपिसेंटर, जीरो डिग्री ये तो है ही, ये 105 डिग्री तक जा रहा है, ये है आपका एस वेव, ठीक है। अब चूंकि एस वेव का बनाना है इस वजह से देखें कि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए अंदर अंदर तो कोर में जाएगा नहीं एस वेव, तो आपको क्या मिला कि 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक। अच्छा एक चीज और भी, चूंकि पी वेव तो दोनों जगह है, जैसे कि ये जो फिगर पी वेव को हमने क्या बताया था कि तीनों ही मीडियम चल सकता है, तो बेसिकली ये समझाने के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर सिर्फ एस वेव ही नहीं पी वेव भी है, एस वेव भी है पी वेव भी है, सब कुछ है यहाँ पर पी वेव एस वेव, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी प्रेजेंस है, पहले वाले फिगर में भी आप पी वेव कर लीजिएगा, पी वेव एस वेव सब, तो यहाँ पर दोनों वेव की प्रेजेंस है, पी वेव की भी प्रेजेंस है और एस वेव की, लेकिन 105 के बाद सिर्फ आपको इस रीजन में सिर्फ पी वेव मिलेगा, एस वेव जो है एब्सेंट रहेगा। तो एक तरीके से जब एस वेव है ही नहीं तो आपने देखा कि इस पूरे रीजन में, यानी कि हम इसको लाइन के खींचे आपको साफ साफ दिख ही रहे अपने आप में कि 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का ये पूरा शैडो जोन ऑफ एस वेव हो गया। एस वेव छाया क्षेत्र, हिंदी में एस वेव छाया क्षेत्र, ठीक है। तो एस वेव छाया क्षेत्र कहां से कहां तक बीच में होगा, 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री के बीच आपका एस वेव छाया क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब अगर तीसरा वाला देखें जो एल वेव का है, तो एल वेव का ट्रेवल क्या हो गया, हमने ये बनाया था। अब अगर ये सेंटर लेते हैं, ये एपिसेंटर लेते हैं, तो इसमें ये पी वेव और एस वेव तीनों हो गई, सॉरी पी वेव और एस वेव दोनों हो गई इसमें, एस वेव पी वेव पी एस 105 तक ही जाएगा, बाकी 145 तक तो पी वेव जाएगा, और जो एल वेव होगा वो कहाँ ट्रेवल करेगा, वो सरफेस पर ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये है आपका एल वेव, एल वेव वाला क्षेत्र क्या है, वो सरफेस पर देखिए ट्रेवल कर रहा है, तो एल वेव वाला रीजन वो है, चूंकि एल वेव पूरे सरफेस पर ट्रेवल करेगा इस वजह से उसका नाम लॉन्ग वेव है और उसका कोई जो है शैडो जोन नहीं है।
तो कुल मिलाकर आपके सामने दो चीजें आई शैडो जोन के मामले में। अगर हम शैडो जोन की बात करें सिर्फ छाया क्षेत्र की बात करें, छाया क्षेत्र तो दो, एक तो पी वेव शैडो जोन और दूसरा एस वेव शैडो जोन। तो जो पी वेव शैडो जोन है वो कहां से कहां तक है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में, ठीक है। और जो एस वेव का शैडो जोन है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच, ठीक है। तो ये आपका एस वेव का शैडो जोन है। तो इस अभी के जो वीडियो है इसमें हमने अर्थक्वेक से रिलेटेड ये पॉइंट हमने फिनिश किया। अभी इसके जो है कॉज बाकी हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन बाकी हैं, ठीक है, और इसके टाइप्स बाकी हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के पॉइंट को कवर करूंगा। ओके, थैंक यू।